री वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट वेलकम टू यू ऑन आवर ऑनलाइन क्लासेज इस्टूडेंट्स जैसा आपको पता है इस मही इस मंथ से अपने जो हमने इस्टार्ट किया है वो जो अपनी क्लासेज है इसके अंदर नेक्स्ट इस क्लास के जो आपको आप जिस क्लास के अंदर प्रमोट हो चुके हो उसका जो फेयरवर्क है बुक के अकॉर्डिंग जो हम पढ़े कर रहे हैं है ना उसके हिसाब से हमने इस्टार्ट कर दिया है तो आज देखो जो अपने लेसन्स वगैरह है इसके अंदर तो उसमें आज हम डिस्कस करेंगे पावर और एक्सपोनेंट के बारे में ठीक है अब जो वर्क करना है आपको सिस्टेमेटिक वर्क करना है सही ढंग से पहले ऊपर चैप्टर का नंबर लगाना है चैप्टर कौन सा है उसके बाद में पावर और एक्सपोनेंट ये पूरा सही ढंग से लिखना है ठीक है अब हम जो भी पढ़ेंगे ना पूरा फेय वर्क के हिसाब से पढ़ेंगे ठीक है तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये वापस करवाएंगे टीचर्स वापस कब करवाएंगे अगर उनके पास टाइम रहेगा लास्ट के अंदर तब तो करवा देंगे नहीं रहेगा तो ये वापस आपको नहीं पढ़ाया जाएगा तो अभी आपका वर्क ये है कि आप इसको आराम से सही ढंग से फिर वर्क कर जैसे और जो अपनी क्लास लगती है रेगुलर उसके हिसाब से इसको पढ़ो और इसको समझो ओके तो देखो पावर और एक्सपोनेंट के बारे में हमें आज डिस्कस करना है इसके अंदर तो पहले मैं आपको बता दूँ लेसन नंबर थ्री वगैरह सब आपने देख लिया ऐसे करना है अब पावर और एक्सपोनेंट क्या होता है उसको समझो थोड़ा सा आप ना देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा है फोर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि क्या आपको इजीली दिखेगा बड़े ना जस्ट अ सेकेंड हाँ यहां पे हो जाएगा जैसे मैंने लिखा है फोर ऊपर लिखा है थ्री ठीक है ये जो ऊपर लिखा हुआ होता है ना ये इसको हम बोलते हैं पावर क्या बोलते हैं पावर पावर भी बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और एक दो जो बुक्स है एल बी एफ वगैरह अलग अलग बुक्स आती है उसके अंदर इसको इंडेक्स भी लिखा हुआ तो इंडेक्स भी बोलते हैं ठीक है ठीके? पावर भी बोलते हैं एक्सपोनेंट भी बोलते हैं इंडेक्स भी बोलते हैं ठीक है ठीके? तो तीन नाम हो गए इसके पावर एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स कुछ भी लिखा हुआ मिले तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको आपको मोस्टली पावर और एक्सपोनेंट लिखा हुआ मिलेगा आपके बुक्स के अंदर ठीक है और जो नीचे जो लिखा होता है ना इसका एक ही नेम है इसको बोलते हैं बेस क्या बोलते हैं बेस तो देखो बेस तो वैसे आपको पता है जो सबसे नीचे होता है ना हम जो भी जैसे रेक्टेंगल वगैरह कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे जो नीचे होता है ना उसको बेस ही मानते हैं तो आप उसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ना ये बेस है तो फोर्थ हो गया बेस ऊपर जो लिखा हुआ है ना ये पावर एक्सपोनेंट और इंडेक्स कुछ भी आपको लिखा हुआ मिले तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है पावर और एक्सपोनेंट हमें ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिलेगा ठीक है अब ये तो हो गया आपने कंप्लीट समझ में आ गया बेस पावर एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स अब देखो मैं आपको बता दूँ इसको बोलते कैसे हैं इंग्लिश मीडियम के अंदर जैसे है वैसे जनरली हम इसको समझने के हिसाब से हम तो इसको ऐसे बोलेंगे देखो पावर अगर है ना तो इसको क्यूब बोलते हैं क्या बोलते हैं क्यूब पावर टू तो इसको स्क्वायर बोलते हैं पावर फोर फिर वो बैक और वगैरह वो आपके इतने डिटेल से कभी नहीं पूछेंगे आपसे आपको कोई भी टू और थ्री तक रहना तो अगर फोर की पावर फाइव आ गई तो उसको आपको फोर की पावर फाइव ही बोलना है ठीक है तो अब देखो इसमें आपको फोर की पावर फाइव ये हो गया अब इसको ये तो हम ऐसे बोल रहे हैं जनरली इंग्लिश में एग्जैक्ट जो है इसको बोलने का तरीका वो ये है फोर रेज टू थ्री क्या होता है रेज्ड टू थ्री ठीक है फोर रेज थ्री तो इसका आपको ध्यान रखना है ये रेज्ड है ना ये वर्ड आपको कहीं बगैर सुनने के लिए मिले तो ये मानना कि वहाँ पर वो पावर की बात कर रहा है ओके okay? तो रेज भी बोलते हैं हम बता रहा हूँ मैं इसी अलग अलग आपको ऐसा नहीं कहीं पे आप जो आपको रेजड वगैरह मिल जाए कि सर हमने तो कभी सुनाया नहीं रेज्ड क्या होता है तो रेज्ड का मतलब वो पावर की बात कर रहा है ठीक है हम तो इसको जनरली फोर की पावर फाइव बोलेंगे ठीक है फोर रेजड फाइव बोल देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है ओके इनको सोल्व कैसे करना है इनके फॉमूला वगैरह क्या है उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है बाकी बोलने वगैरह में इतना ऐसा कुछ नहीं है रेजड भी करेक्ट है पावर थ्री बोल रहे हैं तो वो भी चल जाएगा क्यूब बोल रहे हैं वो भी चल जाएगा ठीक है तो देखो ये तो अपना हो गया ठीक है मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया अब हम चलते हैं इसके अंदर इसके थोड़े से फॉर्मूले हैं ना वो आपको सही रंग से पढ़ने पड़ेंगे और बहुत ही यूज़फुल है इनके बिना दिमाग से निकाल देना कि आपसे कुछ होगा इस चैप्टर के अंदर तो आज मैं आपको ओनली फॉर्मूले ही रिवाइज़ करवाऊँगा तो फार्मूलाज जो है वैसे हमने थोड़ा बहुत पढ़े भी हैं इनके अंदर ठीक है तो फॉर्मूलाज बोल दो लाज़ बोल दो ठीक है ना लेखा ना लाज ऑफ एक्सपोनेंट तो लाज वो फॉर्मूले की बात कर रहा है इसके अंदर ठीक है तो इसमें देखो आपको लिखने कैसे हैं फॉर्मूले है क्या थोड़ा बहुत इसका बेसिक भी बता दूंगा और फॉर्मूले भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे वापस लो फर्स्ट जो है इसके अंदर रूल फर्स्ट रूल लिख देना रो लो या फिर आप इसको फार्मूला कुछ भी लिख देना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फर्स्ट में जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी ठीक है आगे क्या लिखा हुआ है एक्स पावर ए प्लस बी ये इसकी फर्स्ट आइडेंटिटी है फर्स्ट फार्मूला है इसका कहने का मतलब अब देखो इसमें फॉर्मूले में हो क्या रहा है ये मैंने बताया था बेस ये भी बेस ये बेस का बेस बीच में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई इसकी पावर ए है इसकी पावर क्या है बी है अब देखो इसमें क्या होगा इसमें जैसे ऐसे लिखा हुआ है अगर दोनों का ये और ये अगर दोनों का बेस है ना दोनों का बेस अगर सेम है इसका और इसका अगर दोनों का बेस अगर सेम है और बीच में क्या रहा आ रहा है मल्टीप्लाई आ रहा है तो फॉर्मूला ये बनेगा इसका कि आप है ना उस बेस को एक बार लिखो और पावर को क्या कर दोगे दोनों को प्लस कर दोगे आपको कैसे लिखना है आपको उससे भी इतना सा लिखना है ओनली जो फार्मूला है ना एक्स की पावर ए मल्टी एक्स के पावर बी इज इक्वल टू एक्स पावर ए प्लस बी ये आपको लिखना है अब ये यूज़ में कैसे आ रहा है वो थोड़ा सा वही बता दूँ मैं आपको एग्जाम्पल लिखवाऊ पास में जैसे देखो फाइव बाई टू की पावर टू फाइव बाई टू की पावर थ्री देखो दोनों का बेस तो सेम है है ना तो ये भी यहाँ पर फाइव बाई टू है ये भी यहाँ पर फाइव बाई टू है ठीक है तो मैंने क्या बताया था अगर ये और ये अगर दोनों एक जैसे हैं और मल्टीप्लाई का साइन बीच में आ रहा है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस टू प्लस थ्री कितना जाएगा फाइव देखो ये रहा फाइव है ना ये बीच वाला भी छोड़ो ये आपको इतना डिटेल समझ में नहीं आएगा ये या जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम आपको पता चलेगा कैसे क्या आ रहा है अभी के लिए आप इतना रखो देखो पावर क्या बन रही है फाइव बन रही है है ना इसकी टू और इसकी थ्री टोटल क्या बन गई फाइव फॉर्मूले की कंडीशन को याद रखना बहुत जरूरी है मैं पहले बता दूँ बीच में मल्टीप्लाई आता है तो ये फार्मूला यूज़ में आएगा दोनों का बेस अगर सेम है तो ये फार्मूला यूज़ में आएगा बेस सेम नहीं हुआ तो फार्मूला यूज़ में नहीं आएगा बीच में मल्टीप्लाई नहीं आ रहा है तो भी ये फार्मूला यूज़ में नहीं आएगा ठीक है इसको आपको सही ध्यान से समझना है ओके फर्स्ट हो गया कंप्लीट वैसे मैंने कोई क्वेश्चन फॉर्मूला देखो एक बार से लर्न नहीं होगा हम इसको जितनी बार सोल्व करेंगे जितनी बार प्रैक्टिस में लेंगे ना आपको ईजिली लर्न हो जाएगा ठीक है तो अभी एक बार इसको तो आप उसका एक बार रिविजन देख लो हल्का सा ठीक है ताकि बाद में क्वेश्चन करेंगे उस टाइम तो वैसे पढ़ना ही है हमें ओके तो फर्स्ट हो गया सेकेंड नंबर देखो इसका सेकेंड नंबर लिखा है एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी ठीक है अगर डिवाइड आ गया है बीच में पहले वाले में मल्टीप्लाई आया था इसमें क्या आ गया डिवाइड अगर डिवाइड आता तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी क्या हो जाएगी माइनस पहले वाले में मल्टीप्लाई आया था और पावर प्लस हुई थी यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आ रहा है क्यों क्योंकि यहाँ बीच में क्या आ रहा है डिवाइड डिवाइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जैसे दो ये लिखा हुआ आपको ये इतना सा सेकेंड नंबर फार्मूला लिखना है ठीक है तो देखो इसमें वैसे एग्जाम्पल बताई भी है टू ओ थ्री की पावर सिक्स टू ओ थ्री की पावर टू बीच में डिवाइड है तो टू ओ थ्री तो सेम ही रहेगा सिक्स माइनस टू तो करना है फोर यहाँ फोर जाएगा ये रहा फोर ठीक है ये इसको छोड़ो ये अभी आपके संबंध में दिक्कत करेगा ठीक है ये आपको मैं डिटेल्स जब हम क्वेश्चन करेंगे ना उस टाइम बता दूंगा अभी आप फार्मूलो को आइडेंटिफाई करो फार्मूलो को फोकस करो इनको सही ढंग से, से समझो ओके देखो इसका नेक्स्ट पहले वाले में मल्टीप्लाई था दूसरे वाले में डिवाइड आ गया अब इसमें देखो अगर पावर की पावर लिखी हुई है पावर की पावर कैसे जैसे अगर टू की पावर थ्री लिखी हुई है और इसके पावर मैंने और वापस टू लगा दिया ऐसे पावर की पावर है ना अगर पावर की पावर अगर लिखी हुई है तो आप क्या करोगे पावर की पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी ये तो ईजी फॉर्मूला है वैसे पावर की पावर हमेशा क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई तो थ्री मल्टीप्लाई बाई टू क्या बन जाएगा सिक्स तो इसको हम टू की पावर सिक्स लिखेंगे फॉर्मूला कहाँ पर है ये रहा है ना पावर की पावर हमेशा क्या होगी मल्टीप्लाई जैसे देखो टू ओपन थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाई टू है ना इस वाले थ्री को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि पावर की पावर है तो पावर की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई तो ये अगर पावर की पावर मल्टीप्लाई होगी थ्री मल्टीप्लाई टू तो क्या हो जाएगा सिक्स इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है सिक्स ठीक है ये नंबर थर्ड इसका फॉर्मूला है अभी के लिए आपको थोड़ा सा समय कम आएगा आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये तो काफ़ी न्यू फॉर्मूले वगैरह हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है लेकिन अभी तो हमने चैप्टर को स्टार्ट किया है इन फॉमुलों को हमें कम से कम टेन फिफ्टीन टाइम्स है ना इनको लिखना पड़ेगा इनको यूज़ में लेना पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि सर हमें तो क्वेश्चन में आया ही नहीं आया तो रुको अभी चैप्टर पुरानी हुआ अपना चैप्टर पूरा होने के बाद में अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे वापस डिस्कस करना ठीक है अभी के लिए फॉर्मुलो को एक बार लिखू सोचो कि हाँ इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं हमें इन फार्मुलों से आगे वाले क्वेश्चन सोल्व करना है ओके देखो नेक्स्ट देखो इसका थर्ड हो गया नंबर फोर्थ तो आपके सेकेंड नंबर फोर्थ तो इसके अंदर यहाँ पे आ गया ये ठीक है इसमें भी देख लो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है ना जस्ट अ सेकेंड देखो एक्स की पावर ए वाई की पावर ए अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था अगर आपको पता है तो उसमें लिखा हुआ था एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी इन दोनों में डिफरेंस देखो यहाँ पर दोनों का बेस कैसा था सेम था अगर दोनों का बेस अगर सेम है तो मैंने क्या कहा था बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी ए प्लस बी हो जाएगा ठीक है क्या ये दोनों सेम है क्या ये दोनों सेम नहीं है यहाँ पर दोनों का बेस सेम था यहाँ पर दोनों की पावर सेम है और दोनों का बेस सेम नहीं है तो दोनों का बेस अगर सेम नहीं है और यहाँ पर दोनों का बेस सेम है तो फॉर्मूला भी क्या बनेगा थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा डिफरेंट कैसे बनेगा इसमें देखो इसमें फार्मूला क्या बन रहा है एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई वाई की पावर ए तो इसको हम क्या बोलते हैं x मल्टी वाई पावर ए ठीक है इसको बोलते हैं x रेज a y रेज a इसको बोलते हैं x मल्टी वाई इन ब्रैकेट रेज a रेस्ड का मतलब पावर तो देखो इसमें हुआ क्या ये जो a है ना ये दोनों के ऊपर साथ में आ गया और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर ये जो ना ये इसकी भी पावर ए है इसकी भी पावर ए है और मैंने ब्रैकेट के ऊपर लगा दिया इसका मतलब क्या हो गया ये इस पूरे इस कंप्लीट के साथ में है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी दोनों के साथ काउंट में होगी ओके okay? तो इसके अंदर ये इस वाले फॉर्मूलों का ध्यान रखना है इस वाले फॉर्मूले से कंपेयर मत करना ये वाला फार्मूला अलग है इसके अंदर ठीक है इसमें दोनों का बेस सेम था पावर डिफरेंट थी इसमें बेस डिफरेंट है पावर कैसी है सेम है तो पावर सेम है तो हम दोनों के साथ में लगा देते हैं यहाँ पावर सेम नहीं यहाँ पर क्या आएगा एक्स की पावर ए प्लस बी ठीक है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपको पता है मुझे लेकिन एक बार इनको लिखना आप जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना उस टाइम आपको पता चल जाएगा अभी के लिए आपको ओनली फॉर्मूला लिखना है ठीक है तो ये, ये इसमें सिर्फ नंबर फोर्थ कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको इसका तो देखो ये रहा इसके अंदर यहां पर देखो इसकी पावर फोर इसकी पावर फोर दोनों की पावर सेम है लेकिन दोनों का बेस सेम नहीं है और अगर बेस सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा दोनों साथ में आ जाएंगे और पावर दोनों के ऊपर कॉमन ब्रैकेट में लग जाएगी है ना तो ये यहाँ पर क्या आ गया इसके अंदर आ गया फोर ठीक है तो ऐसे भी हम कर सकते हैं नेक्स्ट देखो इसका नंबर फिफ्थ नंबर फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है एक्स की पावर ए डिवाइड बाई वाई की पावर ए देखो अभी हमने डिवाइड का भी एक और देखा था आपने ये ना इसके अंदर तो दो तीन फॉर्मूला इसी से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं तो मैं आपको बता दूँ जैसे अभी हमने लिखा था इसके अंदर एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर बी एक ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसका नंबर सेकेंड के अंदर ठीक है तो उसमें क्या था इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है डिफ्रेंस ये है देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है यहाँ पर दोनों का बेस सेम नहीं है है ना तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अगर दोनों का बेस सेम हो तो हम क्या करते हैं पावर को करते हैं माइनस ए माइनस बी है ना एक्स की पावर ए माइनस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों का बेस कैसा है डिफरेंट बेस अगर डिफरेंट है तो आप इसको पावर को है ना इन दोनों के साथ में लगा दो कॉमन के अंदर दोनों ब्रैकेट में आ जाएंगे और पावर क्या आ जाएगी देखो तो सीधी सी बात यह है ठीक है आप आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर तो डिवाइड में वैसे डिवाइड में लिखा तो हम इसको ऐसा तो लिख सकते हैं अगर एक्स डिवाइड बाई वाई लिखा है तो मैं इसको तो एक्स अपन वाई तो लिख सकता हूँ वैसे ठीक है अब जो पावर है ना इसके ऊपर भी पावर है इसके अगर दोनों के पास सेम पावर है ना तो हम यहाँ पर दोनों के साथ में ऐसे लगा देते हैं ब्रैकेट में ब्रैकेट के ऊपर जो वर्क हो रहा है इसका मतलब ये इस पूरे के साथ में होगा तो इस वाले के साथ में भी और इस वाले के साथ में भी है ठीक है तो x की पावर a अपॉन y की पावर a इसको आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो ये दोनों सेम ही है ठीक है और मैंने ब्रैकेट के ऊपर क्या लगा दिया a लगा दिया तो इसको आपको सही ध्यान से समझना है ठीक है आप एक बार फॉर्मूले वगैरह सही ढंग से लिखो समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम को एग्जैक्ट है ना आपको जो भी होगा ना सारे कन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है अभी तक ओनली फॉर्मूले ही पढ़ रहे हो और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है आपको ठीक है नेक्स्ट देखो इसका नंबर सिक्स फार्मूला देखो इसका नंबर सिक्स में आपके क्या होगा नंबर सिक्स को आप है ना यहाँ से इसको छोड़ो पहले एक बार नंबर सिक्स को मैं अलग फार्मूला से करके बताऊँगा ये आपको कन्फ्यूज़ कर, कर देगा सारा बुक में सही टेंशन नहीं आया हुआ है ठीक है ये तो अभी वैसे अभी हमने पढ़ाई था इसके अंदर ये तो हमने पढ़ाई था ना तो इनका बेस है मैं पीस में डिवाइड हो तो पावर क्या करेंगे माइनस तो ये तो है ही सिक्स वाले को भी आप छोड़ो एक बार सिक्स वाले को मैं अलग से लिख के बताऊँगा आपको ठीक है ये तो हो गया अपना कम्प्लीट नंबर सेवन देख लो एकगा कोई फोन ये तो बहुत ईजी है वैसे कोई फॉर्मूरा नहीं है इसके अंदर देखो इसमें है ना पावर है ना ए की पावर ज़ीरो लिखी हुई है ए का मतलब क्या देखो तो जितने भी यहाँ पर मैंने ए एक्स वाई ये काम में लिया ना ये सारे वेरेबल है क्या ये वेरेबल और हमने लास्ट क्लास के अंदर हम कब से ही पढ़ रहे हैं वेरेबल की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है यहाँ वेरेबल की जगह कुछ भी आ जाए ए की जगह कुछ भी आ जाए एक्स वगैरह जो भी वहाँ लिखा हुआ था ना वो वो वेरेबल है वहाँ पर कुछ भी मिल सकता है आपको नंबर के अंदर कुछ भी मिल सकता है ठीक है तो अगर आपको वेरेबल की पावर अगर जीरो मिल जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या मिलेगा वन मिलेगा अब वेरेबल कैसे यहाँ पर नाइन आ गया तो भी आंसर वन आएगा अगर यहाँ पर नाइन हंड्रेड आ गया तो तो भी इसका आंसर क्या आएगा वन ही आएगा यानी ए की दिखते तो कुछ भी लिखो ना किसी भी सीधा सा कंसेप्ट है किसी भी नंबर के पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा वन आएगा वन क्यों आएगा मैं आपको ये भी बता दूँगा ठीक है हम इसको पूरा प्रूव कर लेंगे लेकिन चैप्टर कम्प्लीट होने के बाद में क्योंकि इसमें दो तीन फॉर्मूले यूज़ में आएंगे मैं अभी बताऊँगा तो आप उसके अंदर वापस कम बजे जाओगे ठीक है तो अभी के लिए आप फॉर्मूला लिखो इतना सा ठीक है ए के पावर जीरो इज इक्वल टू वन ठीक है ये हो गया अपना कंप्लीट अब देखो ये तो हो गए सारे एक मैं आपको ये एक फार्मूला जो ये है ना सिक्स वाला मैंने जो आपको करवाया नहीं है ये आप अभी लिखना मत मैं सिक्स वाले को अलग तरीके से बता दूँ थोड़ा सा बाकी तो सारा अपना हो गया था ठीक है अब यहाँ से देखो पहले यहाँ से है ना मैंने आपको सारे फार्मूले सही ढंग से बता दिए इसके अंदर एक बार सब को एक साथ ही लेकर ताकि आपको एक्जाम्पल से पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा समझ में ज़्यादा आएगा लिख आप उससे लेना या इससे लिख लो दोनों में से किससे से लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ना है ठीक है तो मैं तो कह रहा हूँ इसी से लिख लेना जो जिससे मैंने लिखा ना इस वाले से लिख लेना आप ठीक है ये क्या आपके थोड़ा समझने में ईजी रहेगा ठीक है वेरेबल चेंज है बाकी कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर देखो बी इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का वेरेबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानते हैं बेस दोनों का सेम पावर क्या हो जाएगी प्लस ये प्लस हो रखे यहाँ पर एग्जाम्पल पास में दिया हुआ है हमने पहले किया ही था पावर की पावर मल्टीप्लाई पावर की पावर क्या होती है देखो एम की पावर क्या हो जाएगी एन हो जाएगी ओके थर्ड देखो दोनों की पावर सेम है ए और बी की तो मैं उस किस में डाल दूंगा ब्रैकेट में डाल दूंगा इधर से लिखो इधर से लिखो दोनों फॉर्मूला सेम ही होता है वो ठीक है तो दोनों के अंदर अगर पावर सेम है तो मैं ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर यूज़ कर सकता हूँ सेम टू सेम वक्त इधर हुआ है ये डिवाइड में था डिवाइड के अंदर दोनों में सेम पावर है तो मैं ब्रैकेट लगा के पावर सेम लगा सकता हूँ ठीक है जैसे देखो यहाँ पर यह लिखा हुआ ठीक है इधर अगर ऐसे लिखा हुआ है ए के पावर दस टे सेकेंड ए के पावर एम डिवाइड बाई ए के पावर एन तो क्या बताया था अगर डिवाइड तो पावर में क्या जाएगा? आ जाएगा माइनस आ जाएगा ठीक है ये हो जाएगा लास्ट वाले में देखो आप इसको भी यहाँ पे छोड़ो ये भी आपको समय आएगा नहीं इसमें पूरा उल्टा फुलटा कर दिया कंप्यूज़ कर देगा आपको ठीक है इसको छोड़ो ये हो गया ये मत करना यहाँ तक अपने सारे हो गए ठीक है ये वो वही फॉर्मूले हैं चाहे आप वो लिखो चाहे ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है ज़्यादा अगर आपके सर हमें जो कन्ब्यूजन हो रहा है तो आप एक काम करो इसमें से है ना ये जो ऊपर के है ना ये ऊपर के फाइव और एक वो ए के पावर जीरो वाला वन ठीक इस है वो इससे में जीरो नहीं आया तो आप एक काम करना मैं आपको है ना पूरा बताई देता हूँ एक रुको टोटल सेवन फॉर्मूले में बता दूँ आपको एक तो ये लिखना है वन ठीक है सिक्स वाला मैं आपको डिटेल्स से भी करवा रहा हूँ ठीक है इसको थोड़ा बहुत वाला आएगा नहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा वो एक ये लिखना है नंबर फिफ्थ टू गए थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स तो सीधे लिखे हुए हैं इसके अंदर ठीक है सिक्स तो आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे ठीक है आराम से वीडियो को पोज कर लेना आराम से लिख लेना आपको ओनली फॉर्मूला लिखना है अभी लर्न हो रहे है तो अच्छी बात है नहीं होगा तो वो मैं हाँ, आपको करवा दूंगा जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना वैसे वैसे फार्मूला बार बार रिवाइज आए रिवाइज होगा और जितनी बार रिवाइज होगा ना उतनी बार हमें फॉर्मूला लर्न होता जाएगा ओके तो ये तो हो गया अब आप एक सिक्स वाले में देख लो सिक्स वाले में क्या दिक्कत होगी आपके मैं समझा दूँ आपको दस दस सेकेंड सिक्स वाला आपको मैं अलग से लिखवा रहा हूँ वो लिखना आपको ना हाँ यहाँ पर हो जाएगा देखो अगर है ना आपको कभी भी जैसे मिल जाए जैसे मैं बताऊँ आपको आपको मिल जाए ए के पावर माइनस टू मिल गई ठीक है अगर पावर अगर नेगेटिव में मिलती है ना तो हम उसको कभी भी सोल्व नहीं कर सकते नेगेटिव में पावर कभी सोल्व होती नहीं है कैसे नेगेटिव में पावर सोल्व नहीं होती है तो फिर हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे तो पॉजिटिव पावर को पॉजिटिव बनाने का फॉर्मूला है देखो ये जो है ना अभी जैसे लिखा तो मैं इसके हमें क्या मानते हैं कि हम इसके नीचे तो वन मान सकते हैं क्योंकि वन से डिवाइड से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं तो ये नंबर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ये ए अपॉन वन है ना ये वन अपॉन ए हो जाएगा और जो ए e की पावर वो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी यानी सीधा सा कंसेप्ट यह है अगर न्यूमरेटर में है तो वो किस में चला जाएगा डिनोमेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में है तो वो कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा ठीक है तो ये जो है इसके अंदर इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव पावर है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी जैसे देखो मैं आपको एक और समझाता हूँ अगर मेरे पास लिखा हुआ है एक्स की पावर माइनस टू और वाई की पावर लिखा हुआ माइनस थ्री दोनों की पावर माइनस में आ गई अब मुझे दोनों के ऊपर प्लस करना है तो देखो ये ऊपर लिखा हुआ ना ये कहाँ आएगा इसके नीचे आ जाएगा और पावर क्या हो जाएगी प्लस अगर वो न्यूमरेटर से नीचे जा रहा है डिनोमेटर बन रहा है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी पावर चेंज हो जाएगी प्लस है तो माइनस हो जाएगी माइनस है तो प्लस और हम क्या करेंगे माइनस का हमेशा प्लस बनाएंगे या ये अपॉन में नीचे आ रहा है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी ठीक है ये आप है ना इसके अंदर देता हूं थोड़ा सा प्लस आ गया ना जस्ट सेकेंड थ्री सॉरी 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 ये हो गया थ्री ठीक है समझ में आ गया अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा अपॉन में तो यहाँ कैंसर रह जाएगा नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों चेंज होते हैं और पावर क्या बना देंगे पॉजिटिव बना देंगे ठीक है एक देखो एग्जाम्पल और देख लो इसका अगर आप उस समय कमाया तो अगर मेरे पास लिखा हुआ है फोर की पावर माइनस फोर मुझे इसको प्लस की प्लस का बनाना तो मैं क्या कर दूंगा इसको डाल दूंगा नीचे फोर की पावर प्लस फोर हो जाएगी ठीक है अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा ओके तो ऐसे करना है आपको अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे देखो सिक्स फॉमूला मैंने बता दिया एक सेवन वाला फॉमूला अब चाहे सिक्स मान लो चाहे सेवन मान लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें तो फॉर्मूला आना चाहिए आप इसका फॉर्मूला चाहे सिक्स नंबर लगाओ चाहे सेवन नंबर लगाओ जैसा आपको सूटेबल लगे लगा लेना आपके बुक में नंबर सिक्स लगा के दिया है फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा सिक्स है तो भी हमें उसको लर्न करना है सेवन है तो भी हमें उसको लर्न करना है तो सिक्स का मैं आपको बता दूँ आप इसका फॉमूला ऐसा लिखोगे अगर मैं इसको लिखूँ ए के पावर माइनस टू और बी की पावर माइनस टू लिख देते हैं ठीक है थीके? तो क्या हो जाएगा अगर दोनों की पावर मा, पावर माइनस में है तो प्लस का बनाए क्या करना पड़ेगा इसको भी उल्टा करना पड़ेगा और इसको भी उल्टा करना पड़ेगा ओके तो ये हो जाएगा इसका ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा ठीक है यानी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में चेंज करेंगे ऊपर लिखा है तो नीचे आ जाएगा और नीचे लिखा है तो ऊपर आ जाएगा ठीक है और उसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी तो ये सेम टू तो सेम फार्मूला आप लिख लेना इसमें से ठीक है टोटल हमारे सेवन फार्मूलाज हो गए इसमें से लॉज बोल दो रूल्स बोल दो फार्मूलाज बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है सेवन है इनको सही ढंग से पढ़ना है और लिखना है ठीक है ट्राई करना लर्न करने के नहीं हो रहा है तो अभी तो हमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे हमें आराम से आ जाएगा वो ठीक है तो आज के लिए बहुत है आपको फॉर्मूले वगैरह मैं बता दिए सारे ठीक है एक्सपोनेंट और पावर्स चैप्टर सही ढंग से करने है अब आपको फेयर वर्क के अकॉर्डिंग करना है ओके तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम और करना है मैं बता दूँ अपने जो स्कूल का चैनल बना हुआ है ठीक है इसके अंदर आपको एक तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ठीक है ये वो वाली बात है कि जैसे हम आपको टाइटल दे रहे हैं ना तो आप हमें अपना में भी ये टाइटल दीजिए वापस ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ज़रूर और वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है ठीक है कोई और किसी और को शेयर करोगे तो उसको भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा ओके तो आज के लिए बहुत है मिलते हैं आप इस नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर स्टे होम एंड कीप रनिंग बाय बाय